हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ऑल दी फार्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक सॉलिड स्टेट तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से डिस्कशन चालू करते हैं देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स व्हिच आर पॉसिबल ज्योमेट्रिकली तो जो क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे जिनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है उसके अंदर एक रिपीटिंग पैटर्न होता है तो सबसे स्मॉलेस्ट जो रिपीटिंग पैटर्न है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक सिंपल क्यूब की फॉर्म में भी हो सकता है जहाँ पे सारी साइड्स बराबर हैं और हर साइड के बीच का एंगल है 90 डिग्री इसी तरह और टाइप की ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक रोम्बोहैड्रल मोनोक्लिनिक ट्राईक्निक और हेक्सागोनल। इन सभी शेप्स के लिए जो पैरामीटर्स हैं उसकी साइड्स की लेंथ और उन साइड्स के बीच का उन उन एजेस के बीच का जो एंगल है वो हर केस के लिए दिया हुआ है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंट्स को एक बार रीड कर सकते हैं एंड उनको याद करने की कोशिश कर सकते हैं इट इज़ डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल दीज पॉइंट्स लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड टू हो सकता है बहुत रेयर चांस है बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन इन शेप्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कभी कभार आ सकते हैं तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स की बात कर ली है अब हम यूनिट सेल्स की बात करते हैं कि इन क्रिस्टल सिस्टम्स में एटम्स कैसे अरेंज हो सकते हैं तो उसमें सबसे पहला टाइप होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको प्रेमेटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं इसमें यहां पर आपको एक क्यूब दिख रहा है और उसके आठों जो कॉर्नर हैं उनके ऊपर एक -एक, एक एक एटम बैठा हुआ है तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फिर है बॉडी सेंटर्ड आठों कॉर्नर पे भी एक, एक एक एटम बैठा हुआ है एटम भी हो सकता है आयन भी हो सकता है और ये जो क्यूब है उसका बॉडी सेंटर जो है बॉडी सेंटर क्या होता है सभी बॉडी डायगनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहां पर भी एक एटम या आयन प्लेस्ड होगा इसके अलावा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है एक क्यूब के छह फेसेस होते हैं और हर फेस के सेंटर में अगर एक एटम हो और आठों कॉर्नर्स पे भी एक एटम हो देन इट इज नोन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और जो चौथा टाइप का यूनिट सेल होता है दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल अब क्यूब के फेसेस तो सिक्स हैं लेकिन उसमें से सिर्फ दो पैरेलल फेसेस के सेंटर पे एटम्स बैठे होते हैं और आठों कॉर्नर्स पे ऑफकोर्स एटम्स या आयंस होंगे so तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल तो यहां पे हमने सात तरीके के क्रिस्टल सिस्टम देखे और उसके अंदर चार डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स थे तो उनमें कुछ कॉम्बिनेशन पॉसिबल होती हैं कुछ नहीं होती हैं यहां पे वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन दी हुई हैं सिंपल जो क्यूब होता है उसमें प्रेमेटिव यूनिट सेल भी हो सकता है बॉडी सेंटर भी हो सकता है और फेस सेंटर भी हो सकता है टेट्रागोनल क्रिस्टल जो होते हैं उसमें प्रेमेटिव और आपका बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल ही फॉर्म हो पाता है ऑर्थोरोम्बिक के केस में चारों जो केसेस हमने पढ़े थे प्रेमेटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड क्रिस्टल्स पॉसिबल हैं इसी तरीके से सातों क्रिस्टल सिस्टम में वो आपकी कॉम्बिनेशंस दी हुई हैं तो ज्योमेट्रिकली देर आर फोर्टीन टाइप ऑफ लैटिस पॉसिबल ये सबके जो डायग्राम बनाए हैं तो इस तरीके से देर आर फोर्टीन कॉम्बिनेशन दैट आर पॉसिबल एंड दीज कॉम्बिनेशन आर नोन एज ब्रेविस तो आगे चलते हैं अब इंडिविजुअली सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसको एनालाइज करते हैं तो यहां पे आठों कॉर्नर पे एक एक एटम था और मैंने उन एटम्स को स्लाइस करके एक सिंगल क्यूब बाहर निकाल लिया है तो कॉर्नर पे जो एटम बैठा होता है वो आठ अलग अलग क्यूब्स के बीच में डिवाइडेड होता है तो ये जो क्यूब मैंने कट किया है इसके अंदर उस एटम का सिर्फ पार्ट अंदर एनक्लोज होगा तो यहां पर कुछ कंडीशंस देख लेते हैं ये क्यूब मैंने फिर से ड्रॉ किया है और ये जो कॉर्नर के एटम्स हैं ये आपस में एक दूसरे को टच करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन आ जाती है आर इज इक्वल टू ए बाय टू क्यूब की साइड ए है और एटम का रेडियस आर है तो आर इज ए बाय

तो अगर इस पर्टिकुलर ऐटम को देखेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये जो छह एटम्स हैं दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ ए इसके अलावा जितने भी एटम्स हैं वो इस पर्टिकुलर एटम से कंपैरेटिवली ज्यादा दूर हैं तो दीज आर द सिक्स्थ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ दिस एटम तो यहां से हमें पता चलता है कि कॉर्डिनेशन नंबर इसका सिक्स होता है इन द केस ऑफ यूनिट सेल यानी कि किसी भी एटम के नियरेस्ट नेबर्स छ होते हैं पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल वॉल्यूम जो है वो इसकी 52.3 परसेंट होती है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स मतलब नियरेस्ट नेबर्स के बाद जो डिस्टेंस पे नेबर्स हैं दे आर 12 उन सबका डिस्टेंस होता है रूट टू ए और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी हम निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से हमें डेंसिटी ऑफ द कंप्लीट मटीरियल पता चल जाता है जो की पूरे मटीरियल जो क्रिस्टलाइन मटीरियल है उसमें सेम यूनिट सेल्स रिपीट होते हैं तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होती है मास ऑफ वन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल और इसका फॉर्मूला होता है जेड एम अपॉन एन ए क्यूब यहां है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैपिटल एम जो है दिस इज द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज नंबर और ए जो है वो क्यूब की एज की लेंथ है तो यूनिट्स का हम ध्यान रखेंगे यहां पे Z एक नंबर होता है मोलर मास को ग्राम पर मोल लिखेंगे नंबर इज अ कांस्टेंट। और A जो है उसको अगर हम सेंटीमीटर में लिखते हैं तो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में आपको मिल जाएगी विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ग्राम पर एम अब बॉडी सेंटर्ड क्यूब को देखते हैं यहां पर आठों कॉर्नर्स पे एक एक एटम था मैंने क्यूब को स्लाइस किया तो उनका वन एथ पार्ट ही मेरे पास यहां पे बचा और क्यूब की बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच देर इज वन एटम तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल तो यहां पे अगर हम ज्योमेट्री देखेंगे तो एक बॉडी डायग्नल के अलॉन्ग तीन एटम्स टच करते हैं कॉर्नर पे हैं ये दोनों और बीच में बॉडी सेंटर को वो टच कर रहे हैं तो so, यहां से ज्योमेट्री आती है आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए बाई फोर ए जो है क्यूब की एज है और आर इज द रेडियस ऑफ इसमें पर यूनिट सेल दो एटम्स होते हैं आठो कॉर्नर्स पे आठ आट एटम्स आट हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाई एट होता है और जो बॉडी सेंटर पे एटम होता है वो कंप्लीटली क्यूब के अंदर है तो टोटल एटम्स पर यूनिट सेल हो गए टू कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें एट होता है यानी कि नियरेस्ट नेबर्स एट होते हैं इस सिस्टम की पैकिंग एफिशिएंसी 68 होती है वी हैव सिक्स नियरेस्ट नेबर्स आगे चलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए भी सेम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर छह जो फेसेस हैं क्यूब के सब फेसेस पे भी एक एटम बैठा है और आठों कॉर्नर पे भी एक एटम है तो जब हम इसको क्यूब को स्लाइस करके बाहर निकालते हैं एनालिसिस करने के लिए तो कॉर्नर के एटम्स का कंट्रीब्यूशन वन एट होता है और फेस सेंटर के एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है आधा इस क्यूब में है आधा इसके एडजेसेंट क्यूब के अंदर एटम होगा तो यहां पर बॉडी डायग्नल की बजाय फेस डायग्नल जो है उसके अलाउंग तीन एटम्स टच करते हैं तो आर इज रूट टू ए बाय फोर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इसमें होते हैं फोर बॉडी सेंटर में टू थे सिंपल क्यूबिक में वन थे फेस सेंटर में होंगे फोर कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नियरेस्ट नेबर्स जो होते हैं इसमें ट्वेल्व होते हैं पैकिंग एफिशियंसी इसकी हाइएस्ट होती है सेवेंटी फोर परसेंट और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स होते हैं सिक्स इसमें ये जो आपका फेस सेंटर एनालिसिस है इसके अंदर चार ऑक्टाहाइड्रल वॉइड क्रिएट होते हैं पर यूनिट सेल जितने भी एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहाइड्रल वड्स होते हैं और उसके डबल टेट्राहीड्रल वड्स क्रिएट होते हैं तो लाइन से अगर मैं बहुत सारे फेस सेंटर्ड क्यूब्स को अरेंज कर दूंगा तो उस पैकिंग को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग ठीक है और अगर आप लेयर बाय लेयर एनालाइज करेंगे तो पैटर्न आएगा एबीसी एबीसी यानी कि पहली लेयर होगी दूसरी लेयर उसके ऊपर थोड़ी अलग होगी तीसरी लेयर पहली दोनों लेयर से अलग होगी और फिर चौथी लेयर विल बी सेम एज फर्स्ट लेयर एंड सो ऑन तो इस तरीके से एबीसी एबीसी पैटर्न में लेयर्स रिपीट होती हैं इन द केस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग लास्ट में हेक्सागोनल यूनिट सेल का भी एनालिसिस कर लेते हैं यहां पर क्यूब की जगह हैक्सागॉन है और उसके अंदर हम एनालिसिस करेंगे यहां पर रेडियस ऑफ एटम की कंडीशन हो जाती है ए बाय यहां पर ए जो है इट इज़ द साइड ऑफ द हेक्सागोन नंबर ऑफ यूनिट सेल्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल सिक्स होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल सेल में ट्वेल्व होगा पैकिंग एफिशिएंसी अगेन एफसीसी की तरह इसमें भी सेवेंटी फोर परसेंट होती है और हाइट ऑफ द यूनिट सेल ये जो है दो रिपीटेटिव लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो होता है फोर आर इंटू हंडर उ तो ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है इसके अंदर लेयर अरेंजमेंट होता है ए बी ए बी टाइप पहली लेयर आपने देखी दूसरी लेयर उससे डिफरेंट थी तीसरी लेयर फिर पहली लेयर की तरह आ गई चौथी लेयर दूसरी लेयर की तरह होगी फिफ्थ लेयर फिर पहली लेयर की तरह होगी एंड सो ऑन सो दिस वाज हेक्सागोनल यूनिट सेल एनालिसिस एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आगे डिफेक्ट्स की बात करते हैं अब हमारे कोर्स में पॉइंट डिफेक्ट्स ही हैं तो इसमें दो टाइप होंगे स्टोशियोमेट्रिक और स्टोशोमेट्रिक स्टोशोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है कि कंपाउंड की स्टोशियोमेट्री मेंटेन रहती है यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका आपस में रेशियो सेम रहेगा जितने एन प्लस होंगे उतने सी माइनस रहेंगे नॉन स्टोश्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में आपकी जो स्टोइशोमेट्री है कंपाउंड की वो चेंज हो जाती है स्टोइशोमेट्रिक डिफेक्ट्स में भी दो टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं वेकेंसी और इंटरस्टिशियल वेकेंसी डिफेक्ट्स में यहाँ पे एग्जाम्पल है शॉर्ट की जहां पर इक्वल नंबर ऑफ एनाइंस और कैटाइन मिसिंग होते हैं और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि एक आयन अपनी जगह छोड़ के बीच में किसी और वॉइड में जाके बैठ जाता है तो शॉर्ट की डिफेक्ट में कंपाउंड की डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि कुछ एनाइंस और कैटाइंस गिवन वॉल्यूम में से मिसिंग है जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में सिर्फ लोकेशन चेंज होती है जिस वजह से ओवरऑल डेंसिटी रिमेन्स द सेम इसी तरह नॉन स्ट्रेसोमेट्रिक डिफेक्ट में दो टाइप के डिफेक्ट्स हैं मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंट मेटल के एक्सिस केस में भी दो रीजन होते हैं एनाइनिक और एक्स्ट्रा केटाइं एनाइनिक डेफिशिएंसी में क्या होता है एक एनाइन जो है वो क्रिस्टल में से मूव कर जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर छोड़ जाता है तो ओवरऑल जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल रहता है लेकिन उसके अंदर से एक एनाइन वाला जो कॉम्पोनेंट था दैट इज मिसिंग तो यहां पर जो पीछे जो इलेक्ट्रॉन छूट गया है उसकी वजह से क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर कलर आ जाता है और उन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन को लोकेशन को बोलते हैं इसके तो कुछ ऑक्सीजन है जबकि के बीच में आपके वॉइड्स के अंदर जाके बैठ जाते हैं और कुछ वॉइड्स के अंदर दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी आके बैठ जाते हैं इसके अलावा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट भी हो सकता है इस केस में क्या होता है कि आपके एक मेटल के आयन को उसकी दूसरी वैलेंसी का आयन रिप्लेस कर देता है जैसे कुछ एफ ई टू प्लस हटके एफ्री प्लस आ जाते हैं तो ओवरऑल सब्सटेंस न्यूट्रल रहता है है लेकिन 2 और 3 की की कॉम्बिनेशन वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस टाइप के केस में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं उस वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं शॉर्ट की फ्रेंकल डिफेक्ट्स जो है नाइनिक डेफिशिएंसी वाला जो डिफेक्ट है इन सबके एग्जांपल्स आप लोग याद करेंगे आगे चलते हैं अभी ये जो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर और कुछ टिपिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट तो आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होता है यूजुअली एनायन जो कि बड़ा होता है वो आपका क्यूब फॉर्म करता है क्रिस्टल फॉर्म करता है और कैटाइन जो होता है उस क्रिस्टल के वॉइड्स के अंदर बैठा होता है तो रॉकसाइड टाइप स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पर सी एल माइनस आइंस जो होते हैं वो एफ यूनिट सेल बनाते हैं आप ये बड़े ब्लू कलर के बॉल्स देख सकते हैं दीज आर द एल माइनस आइंस ठीक है इन्होंने एफ सेल बना रखा है ये देखिए फेस के सेंटर में भी क्लोरीन बैठा हुआ है अब इसमें आपके एफ में टेट्रा हेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होते हैं एन ए जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाके बैठ जाएंगे तो एज के अलोंग ये बीच में जो जगह थी वहां पर Na+ आइंस जाके बैठ गए हैं तो यहां पर यूनिट सेल में 4 Cl- हैं fcc और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और हर वॉइड में Na+ है तो नंबर ऑफ Na+ आइंस भी हो गए 4 तो आप देख सकते हैं हर एक Na+ आयन के लिए एक Cl- अवेलेबल है दोनों सीएल माइनस और एन ए प्लस का नियर सिक्स है। मतलब होते हैं सभी हेलाइड के अलावा और उसके अलावा मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉनशियम और बेरियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो सब कंपाउंड uh, इस टाइप का स्ट्रक्चर शो करते हैं मैथमेटिकल कंडीशन देख लेते हैं साइड के अलोंग यहां पर आप देख सकते हैं एनाइन और केटाइन टच कर रहे हैं तो टू टाइम्स रेडियस ऑफ एन प्लस इज इक्वल टू एज लेंथ ए इसके अलावा फेस सेंटर पे आपके क्लोरीनाइन टच कर रहे थे और और N9 का अगर आप निकालेंगे इन दोनों इक्वेशंस की मदद से तो दैट विल कम आउट एज पॉइंट फोर वन फोर तो जब कैटाइन एनाइन का रेशियो पॉइंट फोर वन फोर रहता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड आर फिल्ड नेक्स्ट जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर देखते हैं zinc, zinc जो है, ZNS. तो इस में क्या होता है एस टू माइनस सल्फाइड आइन्स जो है वो FCC करते हैं, और जेडन टू प्लस इज प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वो एफ सी सी यूनिट सेल है यानी कि एस टू माइनस कितने हो गए चार अब अगर चार एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे उसका डबल यानी कि आठ तो आठ टेट्राहाइड्रल वरनेट वॉइड में यानी कि एक छोड़ के एक वॉइड में जेड एन टू प्लस बैठा है तो एक यूनिट सेल में जेड एन टू प्लस भी फोर हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही फोर होता है दोनों आइन्स का डायमंड और बेरिलियम ऑक्साइड भी ये स्ट्रक्चर शो करते हैं तो डायमंड के केस में क्या होता है कि चार कार्बन एटम्स जो हैं वो आपके एफ सी सी यूनिट सेल फॉर्म करते हैं और चार फर्दर कार्बन एटम्स ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में बैठे होते हैं यहां पे कंडीशन देखेंगे आर ए प्लस आर सी रेडियस ऑफ एनाइन प्लस कैटाइन इज रूट थ्री ए बाई फोर और अगेन फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर है टाइम्स टाइम्स रेडियस ऑफ इज तो यहां से और N9 का रे, रेशियो आ जाता है पॉइंट टू टू फाइव तो रेशियो जब पॉइंट फोर वन फोर था तो ऑक्टाइट्रल फिल हो रहे थे अब रेशियो पॉइंट टू टू फाइव है तो टेटराइट्रल वॉइड फिल हो रहे हैं इसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर फ्लोराइड रिप्रेजेंट सी एफ टू कैल्शियम फ्लोराइड की बात हो रही है तो यहाँ पे कैल्शियम के आइन्स एफ सी सी फॉर्म करते हैं वो बड़े होते हैं और एफ माइनस के आइन्स जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्लेस्ड होते हैं तो एक कैल्शियम के लिए दो टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे तो यहां से आप फॉर्मूला देख सकते हैं फॉर ईच कैल्शियम देर आर टू फ्लोराइड आइन्स यूनिट तो सेल में चार कैल्शियम आइन्स हो जाएंगे आठ फ्लोराइड आइन्स हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का एट होगा और फ्लोरीन का फोर होगा इसके और भी एग्जांपल्स हैं एग्जाम्पल फ्लोराइड बेरियम क्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड यहां पे भी कंडीशंस देख सकते हैं हम एफसी यूनिट सेल है आर ए प्लस आरसी विल बी इक्वल टू रूट थ्री ए बाई फोर एंड फोर टाइम्स रेडियस ऑफ कैटाइन इज रूट टू इस बार कैटाइन जो था वो एफ फॉर्म कर रहा था तो यहां पे इक्वेशन में मैंने कैटाइन यूज किया है आर सी बाय आर ए इ आर ए बाई आर सी होना चाहिए इस बार एनआईन छोटा है उसका रेशियो अगेन पॉइंट टू टू फाइव आ गया और इसीलिए एफ माइनस कहां फिल कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फिल कर रहा है अगर यहां पर एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर जो होता है वो एकदम ऑपोजिट होता है इसमें यहां पर देख रहे थे आप कैटाइन फॉर वन केटाइन देर वर टू एनाइंस तो अगर एक एनाइन के लिए दो कैटाइन होते हैं तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं एकदम डिस्कशन उल्टा हो जाएगा आपको पहले बताया था सीशियम हेलाइट को छोड़ के बाकी सब स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट होते हैं सीशियम हेलाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा यूनिक होता है इसमें क्लोराइड आइन्स जो है वो आठों कॉर्नर्स पे बैठे होते हैं और सीशियम आइन जो है वो बॉडी सेंटर को ऑक्यूपाई करता है तो पर यूनिट सेल्स सीशीएम आयंस भी वन होते हैं और क्लोरीन के आयंस भी वन होते हैं आप देख सकते हैं आठों कॉर्नर पे क्लोरीन है और सबका कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाई एट है तो सी एल माइनस आयंस भी वन हो जाएंगे और बॉडी सेंटर पे एक फुल आयन जो है यूनिट सेल के अंदर होता है तो सीशीएम आयंस भी वन हो जाएंगे इसमें दोनों का ही कॉर्डिनेशन नंबर एट होता है आर ए प्लस आर सी हो जाएगा रूट थ्री ए बाय टू और रेडियस ऑफ एन होगा ए बाय टू ठीक है एन जो है कॉर्नर्स पे बैठे होते हैं और ये एक दूसरे को टच करते हैं और का रेशो इस केस में .732 होता है। तो, तो, तो बॉडी तो सेंटर ऑक्यूपाई होता है तो अब लास्ट डिस्कशन पे आ जाते हैं तो पॉलिंग के हिसाब से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कैटाइन और एनाइन का एक क्रिटिकल रेडियस रेशियो होता है अगर कैटाइन बहुत ज्यादा छोटा है तो उसके सराउंडिंग एनाइंस जो हैं दे विल कम टू नियर टू ईच अदर और वो आपस में कोलाइड हो जाएंगे अब एनाइंस एनाइंस में रिपेल करते हैं तो देर द कंपाउंड विल बिकम अनस्टेबल तो एनाइंस और कैटाइंस के एक पर्टिकुलर रेशो पे ही आपके पास स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स बन पाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री के लिए ट्रायंगुलर वॉइड फिल होते हैं जब रेशो होता है पॉइंट वन से पॉइंट कौन सा रेशो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू दैट ऑफ एन आइन आर प्लस अपॉन आर माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर फोर जब होता है तो वॉइड्स फिल होते हैं वेन द पॉइंट टू टू फाइव टू पॉइंट फोर वन फोर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स आ जाता है के केस में जब लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है पॉइंट फोर वन फोर से पॉइंट सेवन थ्री टू और पॉइंट सेवन थ्री टू से पॉइंट नाइन 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 अगर उतना रेशियो रहता है तो क्यूबिक आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और उसके बॉडी सेंटर दूसरा आपका आयन बैठता है सो दिस वॉज द रिक्वायर्ड डिस्कशन फ्रॉम द टॉपिक सॉलिड स्टेट इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल डू लाइक इट एंड शेयर इट विद यर फ्रेंड्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग